जी आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के कटअप के ऊपर जो है एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस 2022 और 23 के आधार पर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मैंने आपको ऑलरेडी जो है इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि पर्टिकुलरली जो है आपका जो कटअप रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। और अभी हम जो है सेक्शन वाइज करेंगे, ताकि जो भी बच्चे अगर उस स्ट्रीम से हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं हो, और जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनको भी एक मन में एवरेज रहेगा, और जो बच्चे देने वाले हैं उनके मन में भी जो है ये सवाल रहेगा कि मुझे कितना स्कोर करना रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का एग्जाम चल रहा है, और अभी हम जो है यहाँ पर साइंस के कटअप के ऊपर बात करने वाले हैं कि साइंस का आखिर जो है कटअप क्या रहने वाला है 2024 में, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो है आपके साइंस से रहते हैं। आपके जो कटअप बनते हैं वो तीन आधार पर बनते हैं, एक आपके साइंस के बनते हैं, दूसरे आपके जो है आर्ट्स कॉमर्स के बनते हैं, और तीसरा आपका उर्दू का बनता है। बाकी आपका फ्रीडम फाइटर जो आपका पीएच कैटेगरी है या जो डिपार्टमेंटल है उसका अलग बनता है, बट वो उसी में अटैच रहता है। तो उसी के आधार पर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। आपसे निवेदन करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं कटअप के ऊपर कि आखिर जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का साइंस का कटअप जो है क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं जो बहुत जरूरी है समझना, कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो है चल रहा है और साइंस वाले बच्चों के लिए जो है मैं अभी यहाँ पर आपको कटअप बताने वाला हूँ। और इस बार अगर हम बात कर ले क्वेश्चन का लेवल का, तो आपका लेवल जो है इस बार मीडियम है, यानी कि आपका जो है मध्य लेवल का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, समझ गए ना, यानी मीडियम लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना हार्ड पूछा जा रहा है ना इजी पूछा जा रहा है। तो इसको लेकर भी जो है कटअप थोड़ा हाई जा सकता है। साथ ही साथ इस बार जो एक्सपेक्टेड जो कटअप रहने वाला है वो मैं भी जस्ट बताऊंगा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार बच्चों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है। बेसिकली देखा जाए तो इससे पहले जो है 2 से 3 लाख बच्चे जो है फॉर्म भरते थे, लेकिन इस बार जो है दुगना हो गया है, यानी अप्रॉक्स आपके 6.5 लाख से ऊपर जो है बच्चे ने फॉर्म भरा है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप हमसे पूछते हैं कि सीटों की संख्या बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि शायद इस बार सीट की संख्या बढ़े, लेकिन अभी तक जो आपका अनुमानित सीट की संख्या है वो आपका 30,700 सीट ही है, समझ गए, 30,700 सीट है। जिसमें अगर हम सरकारी कॉलेज की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर सीट कितनी है, और यहाँ पर अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेंगे तो यहाँ पर कितनी सीट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सरकारी कॉलेज में आपका 9,100 सीट है, यह आपका जो है 9,100 सीट है। वहीं पर प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात कर लेंगे तो 21,000 जो है 600 सीट है, याद रखिएगा, यही जो है सीटों की संख्या है। अब रही बात आपके साइंस के एक्सपेक्टेड कटअप की, तो उसके ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो जो मैं यहाँ पर चीजें बताऊंगा इसमें आपको जो है 2-4 नंबर का जो है फर्क देखने को मिलेगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो ये कटअप मैं बता रहा हूँ ये पहले लिस्ट के लिए बता रहा हूँ, तो ये कटअप में जो है उतार चढ़ाव होते हैं, और कटअप कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूं। आपका फर्स्ट राउंड होता है, सेकेंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, और लास्ट में आपका जो है स्पॉट राउंड होता है। तो ये जो है आपका 4 राउंड के एडमिशन प्रक्रिया चलते हैं, या आपका जो है एडमिशन प्रक्रिया आपका जो है चलता है ये 4 राउंड में। तो पहले लिस्ट का जो बच्चे होते हैं उसमें ज्यादा कटअप जाता है, दूसरे वाले में थोड़ा कम होता है, तीसरे वाले में थोड़ा कम होता है, स्पॉट में कम होता है, तो ये कटअप जो है कम होते चले जाते हैं। हाँ, लेकिन पहले राउंड में बच्चे अधिकांश अगर ज्यादा नंबर लाएंगे तो उनका कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो है यह लिस्ट आने की उम्मीद जो है बहुत कमी रहती है। हाँ, लेकिन इतना है कि 4 स्पॉट होता है, स्पॉट राउंड तक एडमिशन होते हैं, और लास्ट तक जो है कुछ ना कुछ सीट बच्चे रहते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइंस वाले बच्चे केवल देखेंगे, इसके बाद आपके जो है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए आएगा तो परेशान नहीं होना है। यहाँ पर साइंस वाले बच्चे अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका कटअप जो है 85 से 88 के बीच में रहने वाला है, समझ लीजिएगा, 85 से 88 के बीच में रहने वाला है। इसके पहले साल की अगर हम बात कर लेंगे तो वहां भी आपका जो है 80 से 85 के बीच में कटअप था, समझ गए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका कटअप जो है 75 से 80 के बीच में रहने वाला है, और ये प्रीवियस ईयर कटअप ये भी था, पहले साल के बच्चों का कटअप जो है 75 से 80 के बीच में ही था। जनरल वाले से 5 नंबर का फर्क जो है देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम ओबीसी की बात कर लेंगे तो ओबीसी और जनरल का बात बराबर ही होता है, इनका भी कटअप जो है आपको 80 से 85 के बीच में देखने को मिलेगा, 80 से 85 के बीच में जो है कटअप इनको देखने को मिलेगा, समझ गए, जो बच्चे ओबीसी साइंस से होंगे। वहीं पर अगर ईबीसी वाले बच्चों की बात कर लेंगे तो इनका 78 से जो है 82 के बीच में देखने को मिलेगा, 2-4 नंबर का फर्क जो है देखने को मिलता है।
और वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे एससी वाले बच्चों का, तो ये देखिए एससी वाले बच्चों की बात कर लेंगे तो प्रीवियस कटअप उनका जो है 65 से 70 के बीच में था, लेकिन इस बार कटअप जो है बढ़ेगा, इस बार जो है 68 से 72 के बीच में जा सकता है कटअप आपका, अगर आप एससी कैटेगरी से है और साइंस है आपका। तो वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे एसटी की बात कर लेंगे तो एसटी कैटेगरी वाले बच्चों का जो है 65 से 70 के बीच में देखने को मिलेगा इस बार, समझ गए। वहीं पर अगर पीएच कैंडिडेट है तो पीएच कैंडिडेट का जो जनरल कटअप जाता था वो पहले, बात कर ले फ्रीडम फाइटर और पीएच कैंडिडेट का, तो 60 से 65 के बीच में जो है कटअप देखने को मिलता था, लेकिन इस बार जो है कटअप बढ़ेगा, पीएच कैटेगरी वाले बच्चों का भी जो है 65 से 70 के बीच में देखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर फ्रीडम फाइटर की बात कर लेंगे तो इनका भी जो है 60 से 65 के बीच में देखने को मिलेगा। तो यह जो कटअप हमने आपको बताया है यह आपका जो है साइंस का एक्सपेक्टेड कटअप है जो 2024 में रहने वाला है। तो वैसे बच्चे जिनका स्ट्रीम चाहे वो ग्रेजुएशन हो या साइंस 12 हो, उसमें अगर साइंस है तो आपका कटअप जो है यह रहने वाला है। तो आशा करते हैं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 2-4 नंबर का हेर फेर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अब ये भी टेंशन मत लीजिएगा कि इतना नहीं आया तो मेरा नहीं होगा एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं है। यह हमने जो है पहले लिस्ट के लिए बताया है, यह लिस्ट निकालने के बाद भी जो है आपका 3 लिस्ट निकलता है, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट और स्पॉट राउंड। तो इसमें क्या होता है कटअप जो है धीरे धीरे कम होते चला जाता है। मान लीजिए कि पहले लिस्ट में 85 चला गया तो दूसरे में जो है 82 आ जाएगा, तीसरे में 80 आ जाएगा, स्पॉट में 75 भी आ जाता है। तो ऐसे होता है, तो परेशान नहीं होना है, लेकिन हाँ इतना उम्मीद रखना है, समझ में, इतना करना है, ये कर लीजिएगा, सेफ जो में रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। ओके, धन्यवाद।